आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यहाँ पर दिल्ली से आप लोगों के बीच में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA के बारे में, NRC के बारे में, और अब इसी सप्ताह तीन दिन पहले जो भारत सरकार की कैबिनेट ने NPR के ऊपर जो फैसला किया है, इसके बारे में मैं विस्तार से कांग्रेस पार्टी के स्टैंड के बारे में और इस विषय के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं। और इसके साथ में आप सब लोगों को जैसे जानकारी है, यहां पर प्रेस स्टेटमेंट भी इशू किया गया है कि देश भर में कांग्रेस पार्टी ने हमारी स्थापना दिवस 28 दिसंबर को भारत बचाओ संविधान बचाओ के रूप में मनाने का फैसला किया। और शायद संविधान, भारत के संविधान के ऊपर इससे बड़ा हमला CAA के रूप में आज से पहले कभी भी नहीं हुआ होगा। भारत के संविधान अपने किस्म का दुनिया का अनूठा संविधान है, जहां पर समानता का अधिकार है, और समानता भी पांच ऐसे विषयों के ऊपर समानता की बात भारत का संविधान आर्टिकल 14 करता है, जो अपने आप में संपूर्ण समानता जिसको कहा जाता है। जो पांच विषयों के ऊपर समानता की बात करते हैं, एक धर्म के नाम की समानता, धर्म पर समानता होनी चाहिए, जाति की, संप्रदाय की, लिंग की, और पांचवां जन्म के स्थान की। तो ये पांच अलग अलग डिस्टिंक्ट बातें हमारे संविधान में आर्टिकल 14 में कहा है कि कानून ये सुनिश्चित करेगा कि ये पांच किस्म की समानताएं रहें, कानून ये सुनिश्चित करेगा कि ये पांच किस्म की समानताओं के आधार के ऊपर कानून की प्रोटेक्शन सब लोगों को मिले। अब CAA क्या करता है? CAA एक धर्म विशेष को छोड़ करके बाकी धर्मों की बात करता है, लिहाजा धर्म की समानता के ऊपर यह प्रहार है। CAA ये कहता है कि अफगानिस्तान में पैदा हुए लोग, अभी के पाकिस्तान में पैदा हुए लोग, बांग्लादेश के अंदर पैदा हुए लोग, ये केवल तीन देशों को पकड़ता है, लेकिन साथ में इसको श्रीलंका नजर नहीं आता, इसको बांग्लादेश नजर नहीं आता, या इसको बर्मा नजर नहीं आता। तो ये जो है हमारे जन्म के स्थान की समानता के ऊपर भी ये हमला। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमारे संविधान को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है, हमारा प्रियम्बल हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश बनाने की बात करता है और उसके ऊपर यह प्रहार एक तरीके से है। तो हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी इसका विरोध किया, पार्लियामेंट के बाहर सड़क पर भी इसका विरोध किया, और देशव्यापी आंदोलन कांग्रेस पार्टी एक तरीके से कर रही है, और 28 तारीख को हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब दूसरी बात NRC की इसके साथ में आती है। अभी तक के जब भी कभी भी चाहे अमित शाह, चाहे नरेंद्र मोदी, चाहे JP नड्डा, इनके अभी के कार्यकारी अध्यक्ष, जब भी कभी भी CAA की बात करते थे तो उसके अगले सेंटेंस, अगले वाक्य के अंदर NRC की बात करते थे। और NRC की बात जो करते थे, अब जो है प्रधानमंत्री और ये सबके सब लोगों ने कहा कि NRC का के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, NRC से इसका कोई लेना देना नहीं, ये भी झूठ। 11 बार संसद के अंदर और उसके अलावा बाहर पब्लिक मीटिंग में तो असंख्य बार, यहां तक कि 24 अप्रैल को इसी साल बंगाल के अंदर पब्लिक मीटिंग में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पहले CAA को लेकर के आएंगे, उसके बाद में NRC को लेकर के आएंगे। तो NRC को जब इस प्रकार के CAA के साथ में जोड़ दिया जाता है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो इन्होंने किया है, तो ये भारत के अंदर धर्म विशेष के लोगों के साथ में अन्याय, और भारत की सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देना, और सेकुलरिज्म के ऊपर एक चोट। यही नहीं, इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे देश के गरीब लोगों को होगा, उन लोगों को होगा जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे नहीं कर पाते। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। NRC के ऊपर कानून 2003 में बना, CAA उस टाइम का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में किया गया आडवाणी जी और वाजपेयी जी के टाइम पे, और उसके बाद में देश के अंदर
ऐसे 12 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी चुना गया। टोटल जहां पर 31 लाख लोगों की पॉपुलेशन थी और यह तय किया गया कि यहां पर यह पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा और यहां पर हम लोग सिटीजनशिप हम लोग डिटरमिन करके इनको आइडेंटिटी कार्ड देंगे भारतीय नागरिकता नागरिक होने का। और यह पायलट प्रोजेक्ट 2003 में शुरू हुआ, 2004 में भारत के अंदर हमारी सरकार आई, यूपीए की सरकार आई, और इसको जब हम लोगों ने इवैल्यूएट करना शुरू किया तो हमारी सरकार ने पाया कि यह एकदम से मुश्किल होता जा रहा है कि किस प्रकार से कोई आदमी, खास तौर पे गरीब आदमी, अपने सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स लेकर के आएगा। आप लोग हैरान हो जाएंगे, जहां 31 लाख की पॉपुलेशन थी वहां पे सिर्फ 12.5 लाख लोग ही अपनी सिटीजनशिप को वहां पर कंफर्म कर पाए, बता पाए, प्रूव कर पाए, साबित कर पाए। यानी आधे से भी ज्यादा लोग सिटीजनशिप को कंफर्म नहीं कर पाए हमारे इस पायलट प्रोजेक्ट के अंदर, जिसकी शुरुआत यहां पर 2003 के अंदर उस वक्त की भाजपा की सरकार ने किया। लिहाजा उस वक्त हम लोगों ने तय किया, और ये मैं आप लोगों के बीच में जो बोल रहा हूं, ये भारत सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री होने के नाते मैं बोल रहा हूं। कैबिनेट में जाने से पहले मैं चिदंबरम साहब के साथ 2009 से लेकर के 2011 तक गृह राज्य मंत्री था, और 2010 में हमने एनपीआर, जो पहला फेज एनपीआर का था, उसको हम लोगों ने किया। तो उस वक्त भारत सरकार ने यह तय किया कि हम लोग इसको आगे, पायलट प्रोजेक्ट को नहीं बढ़ा पाएंगे, इसको नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत का सामना कर रहे हैं। वो लोग अपनी सिटीजनशिप को और अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने पैदा होने की या अपने पूर्वजों के पैदा होने के प्रूफ को, बर्थ सर्टिफिकेट्स को, उन लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि वो लोग उसको प्रोड्यूस करें। लिहाजा जैसे मैंने कहा, 31 लाख की पॉपुलेशन में सिर्फ 12.5 लाख लोग ही उसको, उनके कार्ड बन पाए, वही सिर्फ इसके लिए क्वालिफाई कर पाए। तो हम लोगों ने ये तय किया उस वक़्त कि हम एनपीआर बनाएंगे और हम एनआरसी की तरफ नहीं जाएंगे। एनपीआर क्या है ये बहुत जरूरी है आप सब लोगों के लिए समझना, क्योंकि साधारण भाषा के अंदर अब जो है तीन तीन चीजें चल रही हैं, सीए चल रहा था पहले, फिर एनआरसी और अब एनपीआर। तो एनपीआर क्या है और एनपीआर और एनआरसी में क्या बुनियादी फर्क है, खास तौर के ऊपर आप सब लोग जो हमारे मीडिया के लोग हैं, आप सब लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हम लोगों ने एनपीआर जब बनाने की बात की शुरुआत करी, तो एनपीआर है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। किसका? ये सिटीजन्स का नहीं है, ये बनाएगा लोकल रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेजिडेंट्स, LRUR। तो लोकल रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेजिडेंट्स क्या होगा? यूजुअल रेजिडेंट मतलब सामान्य निवासी, सामान्य नागरिक नहीं, सामान्य निवासी। तो ये यूजुअल रेजिडेंट्स के अंदर सिटीजन्स भी होंगे और नॉन सिटीजन्स भी होंगे। रेजिडेंट्स के अंदर, निवासियों के अंदर नागरिक भी होंगे और गैर नागरिक भी होंगे, भारतीय भी होंगे, गैर भारतीय भी होंगे। तो एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर जो व्यक्ति एक स्थान के ऊपर निवास कर रहा है, ये उसका रजिस्टर होगा। तो इसके अंदर सिटीजन भी होंगे, इसके अंदर नॉन सिटीजन भी होंगे, और उनको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। ये हमारी सोच थी, ताकि हम किसी को भी छोड़े नहीं। कांग्रेस पार्टी की सोच जो सबको इंक्लूड करके, इंक्लूसिव सोच है, उस तरफ हम लोग जाएं, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो, खास तौर पे गरीब लोगों को दिक्कत ना हो, ये हमारी सोच थी। और यूजुअल रेजिडेंट्स का जो डेफिनेशन है, सामान्य निवासी का जो डेफिनेशन है, वो यूनाइटेड नेशंस का डेफिनेशन है। और वो यूनाइटेड नेशंस का डेफिनेशन जो है, वो ये कहता है कि सामान्य निवासी उसको माना जाएगा जो पिछले एक वर्ष में आधे से ज्यादा समय, यानी 6 महीना 1 दिन उस स्थान पर रह रहा हो, पहला उसका कंडीशन, या फिर वो आगे 6 महीने वहां पर उस स्थान पर रहना चाहता हो। तो ये दोनों में से कोई भी कंडीशन, जो बहुत आसान से दोनों में से उस किसी भी व्यक्ति को टिक करना है, वो कर सकता है, और उसके आधार के ऊपर वो स्थानीय निवासी वहां पर होगा और उसका नाम एनपीआर में आ जाएगा। ये एनपीआर का के अंदर यूजुअल रेजिडेंस का, सामान्य निवासी का डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन के आधार के ऊपर हम लोगों ने एनपीआर का फॉर्म तैयार किया और एनपीआर का कलेक्शन किया, और हम लोगों ने 120 करोड़
के करीब जनता के बीच में हमने एनपीआर की कार्रवाई शुरू करी, जो अपने आप में इतिहास है। और उसके बाद में आधार कार्ड, जो यूआईडी का, जो बायोमेट्रिक्स और ये सारी चीज़ें हुई, ये इसकी शुरुआत यहीं से हुई। अब हमने आपको दो फॉर्म दिए, ये बहुत ज़रूरी है देखना, और इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि यह सरकार कैसे एनपीआर के भेष में एनआरसी को लागू करना चाह रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि एनपीआर का मतलब सामान्य निवासी को तय करना, तो जो इसके अंदर दो फॉर्म्स आपको दिए हैं, एक फॉर्म है जो 2010 का है, तो आप देखेंगे ये थोड़ा बड़े साइज का फॉर्म है, लेकिन आपके पास में होगा, उसमें कंडक्टेड इन 2010, इसके अंदर बड़े सीधे सिंपल से क्वेश्चन है, नेम ऑफ द पर्सन, रिलेशनशिप टू द हेड, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, नेम ऑफ फादर मदर, और इस टाइप के जो बहुत साधारण से क्वेश्चन होते हैं, एड्रेस वगैरह, ये सारी की सारी चीजें। अब ये दूसरा पेज है जो एनपीआर का 2020 का अभी का जो प्री टेस्ट फॉर्म है, जो 30 लाख लोगों के ऊपर इस सरकार ने ऑलरेडी किया है। अब इसके अंदर आप देख, मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर जो चेंजेस इन्होंने करे हैं वो किस प्रकार से सरकार की मंशा को बताता है, और किस प्रकार से ये फॉर्म एनआरसी के फॉर्म्स हैं। इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले अगर आप यहां पे क्वेश्चन 13A देखेंगे तो कहता है कि इफ फादर मदर एंड स्पाउस आर नॉट एन्यूमरेटेड इन दिस हाउस होल्ड और नॉट अलाइव, राइट देयर नेम्स अलॉन्ग विद डेट ऑफ बर्थ एल्स राइट सीरियल नंबर। यानी कि अगर कोई व्यक्ति घर में अकेले रहता है, उसके माँ बाप यहाँ पे नहीं रहते, उसकी वाइफ यहाँ पे नहीं रहती, तो उसकी भी डिटेल मांगी गई। बिहार से लोग जो दिल्ली में आते हैं, वो लोग अगर वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनको अपने वाइफ की, अपने पेरेंट्स की डिटेल इसके अंदर देनी पड़ेगी, जबकि यह फॉर्म जो है सामान्य निवासी के नाम इकट्ठे करने का है। तो मैं अगर सामान्य निवासी दिल्ली से यहाँ पटना आकर के काम पे आया हुआ हूँ, तो मेरे यहाँ पे सामान्य निवासी के रजिस्टर में डालने के लिए मेरे वाइफ और मेरे बच्चे और मेरे फैमिली जो दिल्ली में रहती है, उसके नाम और इसके अंदर डिटेल डालने की क्या जरूरत है। यही नहीं, दूसरा इसके अंदर जो सबसे ऐसा प्रश्न है जो कि एनआरसी के लिए जो पूछा जाना चाहिए, वो ये पूछते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ फादर एंड मदर इफ विद इन इंडिया, राइट देन दैट नेम ऑफ द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, इफ आउटसाइड इंडिया राइट द नेम ऑफ द कंट्री। यानी आप अपने माँ बाप का कहाँ पर पैदा हुए हैं वो स्टेट और वो देश का नाम भी इसके अंदर डालिए, तो ये एनआरसी नहीं है तो क्या है? अगर आपने सामान्य निवासी का डिटेल इकट्ठा करना है, ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो इस बार के एनपीआर 2020 में डाला। जब हमारे एनपीआर का मकसद सामान्य निवासी का पता, सामान्य निवासी का रजिस्टर बनाना है, तो उसमें ये क्वेश्चंस डालने की क्या जरूरत है? और यही नहीं, जो असली खतरनाक बात है वो तो आगे, इसका क्वेश्चन 14 कहता है, इफ अवेलेबल, अगर उपलब्ध है आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, वोटर आईडी नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। अब जो है सामान्य निवासी के लिए ये सारी की सारी चीजों की क्या जरूरत है? और कुछ लोग, मैं देख रहा था कि मीडिया में बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये तो ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल नहीं है। मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं, लिखा हुआ है इफ अवेलेबल, अगर उपलब्ध है, तो आप अगर जैसे ही कहेंगे आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, इसमें लिखा जाएगा आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है और इससे जो एनआरसी बनेगी आपका कट गया। आपको मोबाइल नंबर भी आपसे मांगा जा रहा है, आपसे ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा जा रहा है, आधार नंबर भी मांगा जा रहा है, तो ये एनआरसी का फॉर्म नहीं है तो क्या है? फिर आप इसको, ये सरकार एनपीआर क्यों कह रही है? ये एनपीआर नहीं है, ये सीधे सीधे एनआरसी है, ये हम लोगों का कहना है। और अगर एनपीआर करना है तो जो फॉर्म हम लोगों ने 2010 के अंदर लेकर के आए थे, जिसमें सिंपल सिर्फ जानकारी और साधारण निवासी की बात करी जा रही थी, तो उस फॉर्म के अंदर क्यों बदलाव किया जा रहा है? अब आप देखिए, जिस तरीके से नागरिकता के कानून में बदलाव किया गया, जिस तरीके से उसके बाद में एनपीआर के भेष के अंदर एनआरसी को लेकर के आया जा रहा है, ये सीधे सीधे हमारे संविधान पे एक हमला है।
और यह सरकार इन सब चीजों को इसलिए कर रही है कि अपनी सोच अपनी विचारधारा भारत के ऊपर थोप रही है। और यही नहीं, आज भारत की जो बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था है, आज बेरोजगारी जो चरम सीमा पे पहुंची हुई है, 45 साल की रिकॉर्ड बेरोजगारी आज है। ये नरेंद्र मोदी कहते थे कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे और आज 45 साल की रिकॉर्ड बेरोजगारी। आज डेवलपमेंट हमारा 8% से गिर करके 4.5% पे पहुंच गया। आज जीडीपी की ग्रोथ बढ़ने की जगह कम हो गई। सालाना हमारा जो टैक्स कलेक्शन, जो हमारा जीएसटी का होना चाहिए था, वो टैक्स कलेक्शन जो टारगेट है उससे कहीं नीचे आ रहा। हमारा कंजम्पशन रूरल एरियाज के अंदर कम होते जा रहे हैं। जितने अर्थशास्त्री दुनिया भर के हैं, सबके सब भारत की ग्रोथ के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। भारत आगे बढ़ने की जगह नीचे फिसल रहा है। और हमारे देश के अंदर हमारी सरकार इस अर्थव्यवस्था को संभालने की जगह हमारे देश के अंदर ऐसे हालात तय कर रही है, ऐसे हालात बना रही है कि हमारे देश के अंदर कई बड़े बड़े राज्यों में इंटरनेट बंद है, कई बड़े बड़े राज्यों के अंदर अफरा तफरी का माहौल है, कर्फ्यू लगा हुआ है और पुलिस राज एक तरीके से हो रहा है। ये हमारे देश में हाल है। और यही नहीं, जहां पर प्रधानमंत्री गृह मंत्री को देश संभालने की बात करनी चाहिए ऐसे समय में, कल दिल्ली के अंदर गृह मंत्री कहते हैं कि मैं टुकड़े टुकड़े गैंग या मैं अपने विरोधियों को मैं सबक सिखाऊंगा, ये हमारे गृह मंत्री का ये कहना है। हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि मैं जो प्रोटेस्टर्स हैं मैं उनको सबक सिखाऊंगा। तो ये सबक सिखाऊ गैंग को ये सबक सीख लेना चाहिए कि देश भारत हमारा है, इसको चलाने के लिए सबको साथ लेकर के चलना पड़ता है। और प्रधानमंत्री गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के मुंह से सबक सिखाने वाली भाषा नहीं बल्कि सबको जोड़ने वाली भाषा शोभा देती है और तभी हमारे देश आगे बढ़ सकता है। मुझे अभी यहाँ पर आने पर बताया जा रहा है कि छोटे से छोटे प्रोटेस्ट में भी यहाँ पर पुलिस केस बना करके हम, और पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर भी पुलिस केस बना करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर केस बना करके कोशिश कर रही है हतोत्साहित करने के लिए। तो कल पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पे उतरेंगे और जो हमारे पटना का कार्यक्रम है यहाँ पर मदन मोहन जी उसके बारे में आपको बताएंगे और उसके बाद में इस विषय पे अगर वापस किसी को कुछ सवाल पूछना हो इसके बाद में फिर मैं इसे आप पूछ सकते हैं। कल बोला बताएंगे।